ज़्यादा अच्छे हो एंड जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हो, इट्स मी बेसिकली जो मैं बहुत तरह का वीडियो देता हूँ ऑब्वियसली। एंड जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, गाइस गो एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा लिंक दे देता हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके, इट्स अबाउट वन रेसिपी, लाइक नॉट रेसिपी, जो मीन्स बहुत टाइम से कुछ खाने का मन कर रहा है तो सोचा कि आज वीडियो बना लेते हैं। लेट्स गो कि मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ। एंड पीछे देख सकते हो कि कोको, लेट्स गो। तो आज मैं बनाने वाला हूँ फिश का एक रेसिपी। तो देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने रुई जो फिश होता है वो ले लिया है, मीन्स ये मैंने मे बी 1 kg से ज़्यादा है। तो फिश मैं ले लिया, उसको अच्छी तरह से मैं वॉश करके रख दिया हूँ। ये है फिश का हेड, आंखें बस मुझे ही देख रहा है। एंड यहाँ पे फिश का करी बनाने के लिए ऑनियन, कोरिएंडर एंड टोमेटो भी कट करके रख दिया है। और यहाँ पे मैंने आलू कट करके अच्छी तरह से देख सकते हो कि रख दिया है। तो मेरा ऑलरेडी सब कुछ कट करके हो गया है, अभी बनाएंगे रेसिपी, लेट्स गो। तो ये एक बंगाली रेसिपी है, क्योंकि बंगाली सब लोगों को पता है कि मैं बंगाली हूँ। तो बंगाली लोग कैसे फिश का कड़ी बनाते हैं, लेट्स सी। बिकॉज बहुत टाइम से मुझे फिश खाने का मन कर रहा था, तो इसके वजह से मैंने आज फिश खाएंगे, लेट्स गो कि मैं कैसे बनाता हूँ। अभी फिश में थोड़ा सा मैं टर्मरिक एंड सॉल्ट उसको दे के उसको मिक्स कर लेंगे, लेट्स सी। अभी मैं फिश में अच्छी तरह से टर्मरिक एंड सॉल्ट दे दिया है, क्योंकि सॉल्ट अभी फिश के अंदर में चला जाएगा एंड ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ऑलरेडी मेरा फिश में सब करके रखना हो गया है, अभी फिश को मैं फ्राई करने वाला हूँ, तो लेट्स गो। अभी मैं कढ़ाई लगा दिया गैस में, अभी इसमें अच्छी तरह से ऑयल डालूंगा, थोड़ा ज़्यादा करके ऑयल। आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल मेरा नहीं है तो इसलिए मैंने रिफाइन ऑयल यूज कर रही हूँ। एंड अभी ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देंगे एंड इसमें थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी दे देंगे। तो ऑलरेडी देख सकते हो कि मैंने ऑयल अभी गर्म हो गया है एंड अभी मैं एक एक करके फिश दे दूंगा। हाथ से भी आप दे सकते हो, बट थोड़ा सा मुझे डर लगता है, इसके वजह से मैं थोड़ा सा दूर से ही देने वाला हूँ। बिकॉज नहीं तो ऐसे अभी एक एक करके फिश मैं दे दूंगा वहाँ पे। जल्दी जल्दी यहाँ पे बहुत पीस दे दिया मैंने, 4 पीस दे दिया। अभी इसको मैं फ्राई करने के लिए रख देंगे। अभी इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा एक्चुअली यही वाला करने में थोड़ा सा डर लगता है, एक्चुअली होने दो,
क्योंकि अब ये अटक गया है, तो थोड़ा सा अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद मैं इसको चेंज कराऊंगा। देख सकते हैं कि अच्छी तरह से फिश फ्राई हो रहा है। ये बहुत ही इजी एक रेसिपी है, मीन्स आप बहुत इजीली बना सकते हो घर पे। यहाँ पे फिश फ्राई करके मैं रखना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे फिर से मैंने फिश डाल दिया है। हे गाइस, तो फिर अभी मेरा फिश फ्राई पूरा कंप्लीट हो गया है। सब फ्राई मैंने कर लिया है एंड यहाँ पे भी फिश का हेड भी फ्राई कर लिया है अच्छे से। तो अभी मैं ये जो ऑयल है इसमें अभी मैं पूरा जो खाना है वो बनाऊंगा, तो इसमें अभी मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगा और ज़्यादा थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगा इसमें। अभी इसमें ऑनियन देना है मुझे, ऑनियन देंगे और उसके बाद खाना बनाएंगे। तो इसमें मैं पूरा ऑनियन दे दिया है, जितना भी ऑनियन मैंने काटा था छोटा छोटा करके मैं चॉप करके रखा था। इसको अभी मैं फ्राई होने के लिए रख दूंगा एंड गैस का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, क्योंकि तो फिर ये जल्दी फ्राई हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है, आप देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा सा अभी शुगर डाल सकते हो, तो फिर होता है ना कलर थोड़ा सा आएगा, अच्छा कलर आएगा। ये फ्राई होते होते मैं अभी इसमें टोमेटो भी दे दूंगा, तो फिर ये अच्छी तरह से टोमेटो भी पिघल जाएगा जल्दी से। जो टोमेटो मैं चॉप करके रखा था यही डाल दूंगा। तो टोमेटो मैं दे दिया, क्योंकि ये भी अभी नहीं तो बिघल मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है टोमेटो, नहीं तो थोड़ा सा वैसे मोटा मोटा रहता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अभी इसको मैं अच्छी तरह से अभी फ्राई होने के लिए रख दूंगा। अभी इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगा, तो फिर ये जल्दी हो जाएगा। एंड टर्मरिक पाउडर, मिर्ची पाउडर, सब पाउडर मैं अभी दूंगा इसमें। तो पहले इसमें मैं सॉल्ट डालूंगा, सॉल्ट मैंने सॉल्ट ले लिया, थोड़ा ज़्यादा ही सॉल्ट ले लिया, तो सॉल्ट मैं अभी दे दिया इसमें और थोड़ा सा दूंगा सॉल्ट, कि सॉल्ट देने से बहुत जल्दी हो जाएगा। और अभी इसमें मैं टर्मरिक पाउडर दूंगा, जो मैं टर्मरिक पाउडर ये अभी दूंगा, थोड़ा ज्यादा ही दूंगा। एंड अभी इसमें मैं मिर्ची पाउडर भी दूंगा, बहुत ज़्यादा मिर्ची पाउडर देना है मुझे, क्योंकि तो फिर ज़्यादा तीखा होगा, अच्छा लगेगा। आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको चाहिए। एंड अभी मैं इसको देख सकते हो कि कलर अभी बहुत रेड कलर हो गया है, क्योंकि मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया है। अभी मैं इसमें बाकी जो मसाला है वो भी ऐड करूंगा। तो अभी मैं फिश फ्राई वाला मसाला नहीं है, तो इसलिए चिकन मसाला थोड़ा सा डाल रही हूँ।
देख सकते हो थोड़ा सा चिकन मसाला, देन थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये भी आपका हिसाब के तरह आप दे सकते हो, देन थोड़ा सा धनिया भी आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो तो थोड़ा सा जस्ट दूंगा, देन ये है आपका ब्लैक पेपर, ये भी थोड़ा सा दे दूंगा मैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो ऑलमोस्ट मेरा मसाला हो गया है, तो इसको मैं फिर से थोड़ा सा, नहीं तो ये जल भी जा सकता है, तो थोड़ा सा गैस को मैं कम कर दूंगा। देन अभी मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट देने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट दे दिया, और ये है थोड़ा सा मेथी, तो ये भी मैं थोड़ा सा अभी दे दूंगा, एंड अभी इसको मुझे मिक्स करना है। देख सकते हो कि कलर बहुत अच्छी तरह से आया है, एंड अभी इसमें मैं जो आलू है वो मैं दे दूंगा। देखो मैं ऑलरेडी धो के रखा था आलू, इसको मैं अच्छी तरह से देके मिक्स कर लूंगा इसमें। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगा, देख सकते हो। कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, हम बंगाली लोग जब फिश का करी बनाते हैं उसमें ऐसा सेप का आलू रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसमें। देख सकते हो टोमेटो भी अभी बहुत ज्यादा मतलब पिघल गया है ऑलमोस्ट, तो अभी इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके अभी इसमें पानी डालने वाला हूँ, तो आपका जितना पानी चाहिए तो आप उतना पानी दे सकते हो। ऑलमोस्ट मेरा हो गया, अभी इसमें पानी दे दिया है मैंने, तो थोड़ा ज़्यादा पानी रखा है क्योंकि आलू बॉयल होने में टाइम लगेगा, तो अभी इसके इसको अभी मिनिमम 15 मिनट्स रख देंगे आलू बॉयल होने के लिए, तो अभी देखते हैं। अभी आपको टेस्ट करना है कि सॉल्ट आप अगर आपको लगे तो सॉल्ट दे सकते हो, एंड मिर्ची अगर आपको जैसा चाहिए तो आप अभी दे सकते हो, एंड मैं अभी देखूंगा कि जब तक देख सकते हो कि मेरा करी का कलर देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आया है, एंड अभी मैं जस्ट आलू बॉयल होने के लिए जस्ट उसके बाद ही एक एक करके फिश मैं इसमें डाल दूँगा। अगर आपको ये वाला रेसिपी इजीली आप कहाँ पे भी बना सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं बाहर रहता हूँ, घर पे नहीं कि सब कुछ मिल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है फिश। हे गाइस, मेरा फिश करी पूरा रेडी हो गया है। एक्चुअली बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से मेरा फ़ोन भी कारण नहीं था, और फ़ोन में भी ज़्यादा चार्ज नहीं था, तो इसीलिए। बट एक्चुअली जो मैंने करी दिखाया उसके बाद ही मैंने फिश दे दिया है और कोरिएंडर दे दिया है, देख सकते कि बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है फिश। तो अगर आपको ये वाला रेसिपी अच्छा लगे, सो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ गाइस इन इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करने में भूलना मत। टिल देन टाटा बाय बाय।